इस लॉकडाउन में हमने बहुत अच्छा बनाया खाया होगा, कई महीनों के लिए अनाज भी जमा कर लिया होगा। इस कोरोना महामारी व समय से पूर्व हो रही वर्षा के कारण जहां हजारों टन सब्जियां फल नष्ट हो रहा है, कई मंडियों में पैरों तले रौंदा जा रहा है, तो कई इसके हकदार अनेक प्राणी भूख से बेहाल हैं। पर किसकी दृष्टि जाती है इन बातों पर, हो रहे इस बिगाड़ पर और भूख से तड़प रहे इन प्राणियों पर? पर कोई तो है जो देख रहा है इस पीड़ा को, कोई तो सुन रहा है इस करुण पुकार को। अनुभव कर रहा है इस भूख को। जहां सभी व्यस्त हैं, सतर्क हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, कई अधिक जरूरी कार्य हैं इस लॉकडाउन अनलॉक के कश्मकश में। ऐसे में प्रेरणा मूर्ति श्री जी का ध्यान गया अनेक प्राणियों पर जो बहुधा हम मानवों पर आश्रित हैं। आज होटल बंद, रेस्टोरेंट ढाबे बंद, मानव का घर से निकलना बंद, जिसके कारण अनेक पशु पक्षियों को भोजन मिलना भी बंद हो गया है। ऐसे में इन मूक प्राणियों का ख्याल करना हम सभी का कर्तव्य है। हमें सिर्फ वेस्ट हो रहे खाद्य पदार्थ को इन तक पहुंचाना है और उसे बेस्ट बनाना है। बस इतना ही तो मैनेज करना है। खाते से आनंद आ रहा है नहीं? हाँ, पेट भरेगा, कितना अच्छा लग रहा है। कहीं तो ये फल किसी के लिए वेस्ट है, फंगस लग रही है, किसी के लिए पेट भरने का साधन है। इनको देखकर आनंद और प्रसन्नता का कोई पार नहीं है ना, इसकी कोई कीमत क्या है? इसकी कोई कीमत लगा सकता है? अरे तू कहाँ जा रही है बिना खाए? खा लिया खा लिया, पेट भर गया।